गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका आंसर राइटिंग की क्लास में। तो हम लोग पढ़ रहे हैं एमपी का कल्चर, ठीक है। आंसर राइटिंग की क्लास में क्या चल रहा है? मध्य प्रदेश का कल्चर, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे कुछ तो लोक गायन और लोकगीत हैं, उनके ऊपर चर्चा कर लेंगे। 3 मार्कर 5 मार्कर में कैसे प्रश्न आते हैं, और कल कुछ प्रश्न रह गए थे कला से संबंधित, शिल्प कला से संबंधित, ठीक है। तो कला से संबंधित जो प्रश्न थे, जैसे वस्त्र निर्माण कला है या अन्य कलाएं हैं, उनसे संबंधित कुछ प्रश्नों को आज हम हल कर लेंगे, ठीक है। और आज हम देखेंगे कि लोक गायन और लोक गीतों में से, ठीक है, यानी कि जो अमूर्त धरोहर हैं मध्य प्रदेश की, उनमें से किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। तो तैयार हैं आप सभी लोग? 3 मार्कर 5 मार्कर और 11 मार्कर, ठीक है। यही पैटर्न चल रहा है हम लोगों का, जो भी लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है। 3 मार्कर के लिए आपके पास 35 सेकेंड्स का समय रहेगा। आंसर राइटिंग करेंगे आप जहां पर भी हैं, अपने रूम में बैठकर टेबल चेयर का उपयोग करते हुए क्या करेंगे आप? आंसर राइटिंग करेंगे। 5 मार्कर के लिए 3 मिनट्स का समय रहेगा और 11 मार्कर के लिए 9 मिनट्स का समय रहेगा। क्लास स्टार्ट कर लेते हैं आज की, ठीक है। क्लास के बाद जो भी डाउट्स हों, समस्याएं हों, परेशानियां हों, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं और मैं उसका जवाब दे दूंगा, ठीक है। तो पहला 3 मार्कर ले लेते हैं। पहला 3 मार्कर है भरतरी गायन, ठीक है, या भरथरी गायन, ठीक है। इसके लिए समय मिलेगा आपको 35 सेकंड का समय। समय शुरू होता है अब। लिखें सभी लोग भरथरी गायन। ठीक है, भरतरी गायन कहां पर गाया जाता है? भरतरी गायन गाया जाता है मालवा क्षेत्र में, ठीक है। कहां पर? मालवा क्षेत्र में। तो 3 मार्कर है, आपको पता होना चाहिए 2-3 इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। भरतरी गायन है, कहां पर गाया जाता है? ये मालवा क्षेत्र में गाया जाता है, ठीक है। दूसरा, कौन गाता है इसको? तो नाथ संप्रदाय के लोग नाथ संप्रदाय के लोगों द्वारा गाया जाता है भरथरी गायन, ठीक है। तो क्या क्या चीजों का उपयोग करते हैं ये इसमें? वाद्य यंत्र कौन कौन से? चिंकारा, सितार तथा तबला, ठीक है। कौन कौन से वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल कर रहे हैं? चिंकारा, सितार तथा तबला का, ठीक है। नाथ संप्रदाय के लोग भरतरी गायन करते हैं, ठीक है। और भरतरी गायन में होता क्या है? राजा भरतहरि का नाम सुना होगा आप लोगों ने, विक्रमादित्य के अग्रज थे ये, विक्रमादित्य के बड़े भाई थे, ठीक है। राजा भरतहरि और उनकी पत्नी रानी पिंगला, ठीक है, रानी पिंगला की कहानी का गायन किया जाता है, ठीक है, ठीक है। भरथरी गायन बहुत ही प्रसिद्ध गायन है मध्य प्रदेश का। तो भरथरी गायन की जो महत्वपूर्ण गायिका हैं, उनका नाम क्या है? सूरजबाई खांडे। 3 मार्कर में आ जाता है ये प्रश्न कभी कभी कि सूरजबाई खांडे कौन से गायन से संबंधित हैं या सूरजबाई खांडे कौन है, ठीक है। तो इतनी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहले भरथरी गायन कहां पर गाया जाता है? मालवा क्षेत्र में गाया जाता है, नाथ संप्रदाय के लोगों द्वारा। चिंकारा, सितार तथा तबला आदि वाद्य यंत्रों का, वाद्य यंत्रों की सहायता से भरतरी गायन किया जाता है। इसमें राजा भरतरी एवं रानी पिंगला की कहानी बहुत ही खूबसूरती के साथ गाई जाती है, ठीक है। इसकी जो महत्वपूर्ण कलाकार हैं, प्रसिद्ध कलाकार हैं, क्या नाम है इनका? सूरजबाई खांडे, ठीक है। देख लेते हैं अगला 3 मार्कर। अगला 3 मार्कर है कलगीतुर्रा, ठीक है। इसके लिए भी आपके पास 35 सेकेंड्स का समय रहेगा, जल्दी से कर लें सभी लोग। कलगीतुर्रा कई बार प्रश्न आ चुका है, ये 3 मार्कर में आ चुका है, प्री में आ चुका है। कलगीतुर्रा क्या है?
ठीक है, तो ये प्री में आया था प्रश्न। ज्यादातर लोग कहते हैं कि निमाड़ में गाया जाता है, निमाड़ के साथ साथ ये अन्य क्षेत्रों में भी गाया जाता है, निमाड़, मालवा, बुंदेलखंड। ठीक है, तो किन क्षेत्रों में कलगीतुर्रा गाया जाता है? कलगीतुर्रा मध्य प्रदेश की एक गायन शैली है, ठीक है, जो कहाँ कहाँ पे गाई जाती है? बुंदेलखंड, निमाड़ तथा मालवा क्षेत्र। ठीक है, इन क्षेत्रों में कलगीतुर्रा गायन, कलगीतुर्रा क्या है? एमपी की गायन, एमपी का गायन शैली है, ठीक है, ठीक है, एमपी की गायन शैली है कलगीतुर्रा। कहाँ कहाँ पे गाया जाता है ये गाना, ये गीत, गायन शैली कहाँ कहाँ पर प्रचलित है? निमाड़ में सबसे ज्यादा प्रचलित है कलगीतुर्रा, निमाड़, बुंदेलखंड तथा मालवा क्षेत्र में प्रचलित है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, कलगीतुर्रा। ठीक है, और ये कैसे गाया जाता है? इसमें वाद्य यंत्र होता है, उसे कहते हैं चंग। ठीक है, चंग नामक वाद्य यंत्र की सहायता से गाया जाता है ये। ठीक है, ठीक है, और अन्य क्या जानकारी है? ये किसकी आराधना में गाया जाता है? शिव जी की आराधना में गाया जाता है, रात्रि में। ठीक है, कब गाया जाता है? शिव जी की आराधना में। ठीक है, और अगर कोई महत्वपूर्ण जानकारी आपके पास हो तो आपको यह पता होना चाहिए, कलगीतुर्रा क्या है? इसमें दो अखाड़े बना दिए जाते हैं, यानी कि दो ग्रुप बना दिए जाते हैं। एक ग्रुप होता है कलगी अखाड़ा, एक ग्रुप होता है तुर्रा अखाड़ा। ठीक है, कलगी अखाड़ा, तुर्रा अखाड़ा। ठीक है, तो इसमें होता क्या है? प्रश्नोत्तर की शैली में गायन होता है। कलगीतुर्रा क्या करता है? जो कलगीतुर्रा में जो कलगी अखाड़ा है, ठीक है, ये शक्ति की प्रशंसा में, ठीक है, शक्ति की प्रशंसा में क्या करती हैं? शक्ति की प्रशंसा में गायन किया जाता है कलगी अखाड़े के द्वारा। ठीक है, यानी पार्वती जी, दुर्गा देवी की प्रशंसा में गायन किया जाता है। ठीक है, और तुर्रा अखाड़े वाले जो होते हैं व्यक्ति, ये क्या करते हैं? ये किसकी प्रशंसा करते हैं? ये शिव जी की प्रशंसा में गायन करते हैं। ठीक है, यानी और एक दूसरे को पराजित करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तारीफ के तारीफ की जाती है। ठीक है, शिवजी की प्रशंसा की जाती है तुर्रा अखाड़े के द्वारा। ठीक है, तो प्रश्नोत्तर शैली यानी कि सवाल जवाब की शैली का भी उसमें उपयोग किया जाता है। ठीक है, कलगीतुर्रा में। तो यानी कि कलगी जो अखाड़े वाले हैं वो क्या करते हैं? माता शक्ति की प्रशंसा करते हैं। ठीक है, शिव जी की तुलना में। फिर तुर्रा अखाड़े वाले क्या करते हैं? वो उसका जवाब देते हैं। ठीक है, और शिव जी की प्रशंसा करते हैं और शिव जी की सर्वश्रेष्ठता साबित करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह से प्रतियोगिता टाइप का गाना होता है, बहुत ही खूबसूरत होते हैं ये गायन। ठीक है, और किन क्षेत्रों में गाए जाते हैं ये कलगीतुर्रा? बुंदेलखंड, निमाड़ तथा मालवा क्षेत्र में। ठीक है, प्री में क्वेश्चन आ चुका था ये एमपीपीएससी का, मेंस में आने की संभावनाएं बनी रहती हैं, कई बार आ चुका है। ठीक है, तो अगला थ्री मार्कर देख लेते हैं। अगला थ्री मार्कर है बम्बुलिया या बाम्बुलिया। ठीक है, बम्बुलिया या बाम्बुलिया, ठीक है, समय इसके लिए आपके पास 35 सेकेंड्स का रहेगा, आपको ये प्रश्न भी जल्दी से कर लेना है। समय शुरू होता है अब, लिखें सभी लोग, बाम्बुलिया क्या है? ठीक है, बाम्बुलिया गीत कहां पर गाया जाता है? ठीक है, तो बाम्बुलिया गीत कहां
कहां पर गाया जाता है, क्या इसकी विशेषताएं हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो बांबुलिया गीत बुंदेलखंड क्षेत्र का विशेषता है, ये बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है, ठीक है। इसको दो अन्य नामों से भी पुकारा जाता है, भोला गीत या लमटेरा या लमेटरा गीत, ठीक है, इन दो नामों से भी पुकारा जाता है, ठीक है। तो ये कब गाया जाता है, ये मकर संक्रांति है, मकर संक्रांति के अवसर पर भी गाया जाता है ये गायन, ठीक है, बांबुलिया। और महाशिवरात्रि, ठीक है, महाशिवरात्रि के अवसर पर गाया जाता है, ठीक है। ये भी गायन कैसा होता है, प्रश्नोत्तर शैली में ये गायन किया जाता है, शिव जी की प्रशंसा में, और एक विशेषता है इसकी, इसमें किसी भी वाद्य यंत्र का उपयोग नहीं किया जाता। तो ध्यान रखना आप लोगों को, अगर प्री में भी कोई ऐसा प्रश्न आ जाए कि ऐसा कौन सा लोक गायन है जिसमें वाद्य यंत्र का उपयोग नहीं किया जाता है, उसमें ऑप्शन में हो बांबुलिया, भोला गीत या लमेटरा गीत, ठीक है, इनमें से कोई भी नाम हो, तीनों एक ही नाम है, ठीक है, तो आप क्या लिख देंगे कि इनमें से यही है, ठीक है, भोला गीत या बांबुलिया गीत है जिसमें किसी भी वाद्य यंत्र का उपयोग नहीं किया जाता, ठीक है। कोई भी वाद्य यंत्र यानी कि कुछ भी, तबला, सारंगी, ढोलक, कुछ भी नहीं बजाया जाता, ठीक है, मंजीरा, झांझ, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो बांबुलिया हो गया आप लोगों का, किसी भी वाद्य यंत्र का उपयोग नहीं किया जाता। अगला 3 मार्कर ले लें, अगला 3 मार्कर है बसदेवा गायन, ठीक है, 35 सेकेंड्स का समय रहेगा आप लोगों के पास। बसदेवा गायन कहां की विशेषता है, समय शुरू होता है अब, कहां पर गाया जाता है, इसके प्रमुख फीचर्स क्या क्या है, बसदेवा गायन। बसदेवा गायन हो गया, ठीक है। तो ये जो गायन शैलियां हैं, लोकगीत और लोक गायन, आपको पता होना चाहिए, इसमें आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले तो कहां पर ये गाया जाता है, क्षेत्र क्या है, इसकी विशेषता क्या है, इसमें किन किन चीजों का गायन किया जाता है, ठीक है। तो बसदेवा गायन कहां का गायन है, ये बघेलखंड क्षेत्र का, बघेलखंड क्षेत्र से संबंधित, ठीक है, प्रमुख गायन है बसदेवा गायन, ठीक है। बघेलखंड की हर बोले, हर बोले जाति द्वारा इसका गायन किया जाता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। हमेशा ये जो गायक होते हैं ये कैसे होते हैं, जोड़े में होते हैं, तो इसका गायन कैसे किया जाता है, जोड़े में किया जाता है, ठीक है, यानी कि हमेशा बसदेवा गायन जो है वो सिंगल व्यक्ति नहीं गाता है, दो लोग होते हैं वो बसदेवा गायन गाते हैं, पहले एक व्यक्ति एक पंक्ति को पूर्ण करेगा, उसके बाद वहीं से दूसरा व्यक्ति उस गायन को शुरू कर देता है, ठीक है। तो एक एक पंक्ति करके मिल मिल के दोनों लोग गाते हैं, ठीक है, तो बसदेवा गायन, ठीक है। इसमें क्या क्या कथाएं होती हैं, ठीक है, इसमें रामायण की कथा है, श्रवण कुमार की कथा है, ठीक है, और ये सारे के सारे इसमें क्या क्या गाया जाता है, इसमें रामायण कथा, श्रवण कुमार कथा,
कर्ण कथा आदि का गायन किया जाता है। ठीक है। दूसरा, ये जो हरबोले होते हैं जो बसदेवा गायन करते हैं, ये अपने सिर के ऊपर श्री कृष्ण जी की मूर्ति धारण करते हैं, सर पर यहां पर मुकुट में, ठीक है, और अपने वस्त्रों का, इनके वस्त्रों का रंग कैसा होता है, येलो कलर का होता है, पीले कलर का होता है। ठीक है, तो थ्री मार्कर में आपको पता होना चाहिए बसदेवा गायन कहां से संबंधित है। बघेलखंड क्षेत्र से संबंधित है, हरबोले जाति द्वारा गाया जाता है बघेलखंड की। ठीक है, इसमें रामायण कथा, श्रवण कुमार कथा तथा कर्ण कथा आदि कथानकों का गायन किया जाता है। ठीक है, जोड़े में गाते हैं, गायक दो होते हैं हमेशा बसदेवा गायन में। ठीक है, अगला थ्री मार्कर देख लेते हैं क्या है। अगला थ्री मार्कर है मशान्या। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी कर लेंगे सभी लोग। मशान्या क्या होता है, 35 सेकंड्स का समय, समय होता है शुरू अब। मशान्या ठीक है, मशान्या कहां का है ये गायन, ये देख लेते हैं। मशान्या कहां का गायन है, मशान्या है निमाड़ क्षेत्र का गायन है ये। कहां गाया जाता है, निमाड़ क्षेत्र में गाया जाता है। ठीक है, और इसको काया खोज गीत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, काया खोज गीत कहा जाता है। ठीक है, मशान्या को क्या कहा जाता है, काया खोज गीत। कब गाए जाते हैं ये गाने, ये गाने मृत्यु के अवसर पर, जब कोई व्यक्ति मर जाता है तब मृत्यु के अवसर पर सामूहिक रूप से गाए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है, इसमें भी झांझ है, मृदंग है, अन्य जो वाद्य यंत्र हैं उसका उपयोग किया जाता है इस गायन में। ठीक है, मशान्या में। ठीक है, इस गायन में होता क्या है, इस गायन में जो शारीरिक शरीर की नश्वरता और जो आत्मा की अमरता के ऊपर गायन किया जाता है। ठीक है, आत्मा की अमरता, ठीक है, तथा शारीरिक नश्वरता संबंधी पदों का गायन किया जाता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए मशान्या। ठीक है, मशान्या को क्या कहा जाता है, काया खोज गीत भी कहा जाता है, निमाड़ क्षेत्र में गाए जाते हैं ये, मृत्यु के अवसर पर सामूहिक रूप से गाया जाता है ये, सभी पुरुष इकट्ठे होकर इस गाने को गाते हैं। ठीक है, इसमें झांझ, मृदंग तथा इकतारा आदि वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है। आत्मा की अमरता तथा शारीरिक नश्वरता संबंधी पदों का इसमें गायन किया जाता है। ठीक है, एक तरह से दार्शनिक टाइप के गायन होते हैं ये। ठीक है, तो अगला देख लेते हैं थ्री मार्कर। अगला थ्री मार्कर है बरसाती वार्ता। समय शुरू होता है, अब लिखेंगे सभी लोग, बरसाती वार्ता क्या है।
ठीक है, समय हो चुका है समाप्त। बरसाती वार्ता क्या है, कहां पर गाए जाते हैं? सबसे पहले तो आपको किसी भी गायन, लोक नृत्य या किसी भी विशिष्ट विधा के बारे में, ठीक है, कल्चर के बारे में पता होना चाहिए कहां पर है। ठीक है, वो जो भी कल्चर है या जो भी चीज आपसे पूछी गई है, अमूर्त धरोहर जो है वो कहां से संबंधित है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो बरसाती वार्ता कहां से संबंधित है? मालवा क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, क्या है? गायन है ये। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें कौन से गाने गाए जाते हैं? इसमें ऋतु संबंधी गाने गाए जाते हैं। ठीक है, ऋतु कथा गीत गाए जाते हैं। ठीक है, तो ऋतु कथा गीत क्या होते हैं? जिसमें किसी विशेष ऋतु का वर्णन हो, ऐसे गाने। ठीक है, तो ये इसमें कौन सी ऋतुओं का वर्णन होता है? इसमें वर्षा ऋतु का वर्णन रहता है। ठीक है, इस गायन में बरसाती वार्ता में नाम से पता चल रहा है, बरसाती वार्ता यानी बरसात यानी वर्षा ऋतु का वर्णन रहता है। ठीक है, कहां पर गाया जाता है? ये गांव में गाया जाता है, घरों में गाया जाता है। ठीक है, सावन के महीने में मालवा क्षेत्र में बरसाती वार्ता गाया जाता है। ठीक है, तो कहां कहां पर इसका गायन किया जाता है? गांव में कर रहे हैं लोग बाग, बैठे हुए हैं, बरसात हो रही है। ठीक है, बरसाती वार्ता गा रहे हैं। ठीक है, और घरों में भी इसका गायन किया जाता। ठीक है, अगला थ्री मार्कर ले लेते हैं। तो पता चल गया, बरसाती वार्ता मालवा क्षेत्र से संबंधित है, ऋतु कथा गीत है। ठीक है, गांव और घरों में भी गाया जाता है। एक फैक्ट और डाल सकते हैं आप। ठीक है, ये एक तरह से देखा जाए तो क्या है, ये चंपू काव्य है, बरसाती वार्ता। ठीक है, तो चंपू काव्य का उन्नत स्वरूप दिखाई देता है। ठीक है, किसमें? बरसाती वार्ता में। तो चंपू काव्य क्या होता है? ये होता है गद्य और पद्य का मिश्रित स्वरूप। ठीक है, यानी कि मालवी भाषा, ठीक है, मालवी गद्य एवं पद्य, आप लोगों को पता होगा चंपू काव्य क्या होता है, जिसमें आधी जो बात है वो गद्य में होती है, कुछ बातें किसमें होती हैं? पद्य में होती हैं। ठीक है, तो गद्य और पद्य का मिश्रण चंपू काव्य कहलाता है। तो बरसाती वार्ता चंपू काव्य का विशिष्ट उदाहरण है। ठीक है, जो मालवी गद्य और पद्य शैली में गाया जाता है। ठीक है, मालवा क्षेत्र से संबंधित है, ऋतु कथा गीत है, वर्षा ऋतु में गाया जाता है, मालवा के गांवों और घरों में। समझ में आ गया ये? ठीक है, अगला थ्री मार्कर देख लेते हैं। अगला थ्री मार्कर है, ये घोटुल प्रथा नहीं है, घोटुल पाटा। ठीक है, घोटुल पाटा है ये। घोटुल पाटा, ठीक है, समझ में आ गया, घोटुल पाटा। तो थ्री मार्कर है ये भी, 35 सेकंड्स में लिखने का प्रयास करेंगे सभी बच्चे, जो जो भी स्टूडेंट्स हैं सारे लोग लिखेंगे। ठीक है, समय शुरू होता है, अब लिखें घोटुल पाटा। घोटुल पाटा क्या है? ठीक है, पता है आप लोगों को, प्रदेश के गोंड तथा मुड़िया जनजाति में गाए जाने वाले मृत्यु गीत हैं ये। ठीक है, विशेष तौर पर प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रचलित है ये घोटुल पाटा गाना गायन? ठीक है, विशेष तौर पर बघेलखंड क्षेत्र में इसका आप
बड़े स्तर पर देख सकते हैं। यहाँ के गौंड और मुड़िया क्या करते हैं, गोटुल पाटा नामक गायन करते हैं। जब कोई व्यक्ति मर जाता है इनके समुदाय का, तो सामूहिक रूप से जो मृत्यु गीत गाया जाता है बघेलखंड में, ठीक है, तो क्या कहलाता है, वो गोटुल पाटा कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब इन मृत्यु गीतों में होता क्या है, ठीक है, इसमें दरअसल प्रकृति के जटिल रहस्य होते हैं और उनका समाधान, जो जटिल समस्याएं हैं उनका समाधान भी बताया जाता है, यानी कि दार्शनिक टाइप के गायन होते हैं। ठीक है, तो दार्शनिक टाइप के गीत होते हैं ये, और इसमें एक राजा की भी कहानी है जो इस कहानी का नायक होता है। ठीक है, जो मृत्यु यानी के जो क्या कर लेता है, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है, ठीक है, मोक्ष प्राप्त कर लेता है, राजा जोलोंग साय। ठीक है, क्या नाम है राजा का, राजा जोलोंग साय। ठीक है, तो इन गीतों में राजा जोलोंग साय की कथा तथा प्रकृति के गूढ़ रहस्य एवं समाधानों का दार्शनिक चिंतन या दार्शनिक विवरण मिलता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ये गीत किससे संबंधित है, गोटुल पाटा में किसकी कहानी कही जाती है, राजा जोलोंग साय की। ठीक है, प्रकृति के जो गूढ़ रहस्य हैं, ठीक है, उनको सुलझाने के लिए इसमें सुझाव भी बताए जाते हैं, उनका समाधान भी बताया जाता है। प्रकृति की जो समस्याएं हैं, प्रकृति ने जो रहस्य सामने रख दिए हैं मनुष्य के, जिन्हें वो सुलझाने में सक्षम नहीं है, तो ऐसी समस्याओं के समाधान इसमें, जैसे कि मोक्ष क्या है, मृत्यु क्या है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, व्यक्ति मृत्यु के बाद कहाँ जाता है, ये सारी चीज़ इन गानों में बताए जाते हैं। ठीक है, घोटुल पाटा में। घोटुल पाटा में ये बताया जाता है कि शरीर क्या है, शरीर एक दूल्हा है और आत्मा क्या है, दुल्हन है। ये जो गायन होता है, ये जो गायन है गोटुल पाटा, इसमें शरीर की तुलना किससे की गई है, इसमें शरीर की तुलना की गई है, इसमें शरीर को दूल्हा, ठीक है, तथा आत्मा को दुल्हन के रूप में वर्णित किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का घोटुल पाटा। ठीक है, इतने में तो आप 5 मार्कर भी लिख देंगे, तो 3 मार्कर यानी कि बघेलखंड क्षेत्र के गौंड एवं मुड़िया जनजाति में गाया जाने वाला मृत्यु गीत, ठीक है, राजा जोलोंग साय की कथा तथा प्रकृति के गूढ़ रहस्य रहस्यों का वर्णन तथा समाधान, ठीक है, और दार्शनिक वर्णन तथा इन इसमें क्या कहा जाता है, शरीर को दूल्हा कहा गया है इन दार्शनिक गीतों में यानी घोटुल पाटा में, ठीक है, और इसकी आत्मा को दुल्हन कहा जाता है। ठीक है, घोटुल पाटा। चलो आगे ले लेते हैं प्रश्न। अगला 5 मार्कर है, मध्य प्रदेश में धातु शिल्प पर टिप्पणी लिखें। मध्य प्रदेश में धातु शिल्प पर टिप्पणी लिखें, ठीक है, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, मध्य प्रदेश में धातु शिल्प। ठीक है, 3 मिनट का समय रहेगा आप लोगों के पास, सभी लोग कर लेंगे, समय शुरू होता है अब, लिखें सभी लोग, मध्य प्रदेश में धातु शिल्प।
ठीक है, ये हो गया प्रश्न। मध्य प्रदेश में धातुशिल्प पर टिप्पणी लिखे, है ना। तो मध्य प्रदेश में धातुशिल्प लिखना क्या था, देखो आपको सब चीजें बता देनी, आपको पता है मध्य प्रदेश में धातुशिल्प की क्या स्थिति, कहाँ कहाँ पर धातु की अच्छी शिल्पकारी की जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम उचेहरा, ठीक है, जगह ध्यान रखना है, चीचली, ठीक है, उचेहरा, चीचली, टीकमगढ़, ठीक है, बैतूल तथा मंडला। ठीक है, अगर आपके पास जगह बचे फिर आप अगरिया जनजाति की जो लौह शिल्प कला है उसको भी आप वर्णित कर सकते हैं। ठीक है, तो आप पहले बता देंगे एक लाइन में कि मध्य प्रदेश में धातु शिल्प क्या है, उन्नत अवस्था में है। ठीक है, ये सारी चीजें बता के आप बता देंगे कि सतना में उचेहरा नामक जो स्थान है यहां पर क्या है, कांसे की जो कला है, कांसे का जो शिल्प है वो बहुत ही उन्नत अवस्था में है। ठीक है, ठीक है, यहां पर कांसे के अनेक बर्तन, कांसे के अनेक पात्र बनाए जाते हैं। ठीक है, और बहुत सारे जो दैनिक उपयोग की चीजें हैं वो बहुत ही शानदार नक्काशी युक्त, नक्काशी और अलंकरण से युक्त जैसे मूर्तियां हैं, ठीक है, घड़ियाल हैं, बर्तन हैं। ठीक है, यहाँ का एक बर्तन जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, क्या नाम है उसका, बटलोही। ठीक है, बटलोही, ठीक है, तो बटलोही में क्या किया जाता है, भोजन बनाया जाता है। तो बटलोही कांसे का एक बर्तन होता है, बड़ा ही सुंदर होता है। ठीक है, बड़ा सा देगची टाइप का बर्तन होता है, आप समझ सकते हैं, बड़ा सा जिसे आप लोटा समझते हैं। ठीक है, बड़ा सा एक देगची टाइप का बर्तन होता है, बटलोही कहलाता है, इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। ठीक है, भारत से लेके विदेशों तक में यहाँ का उचेहरा यानी कि सतना का बटलोही नामक जो पात्र है वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ का अलंकरण और नक्काशी भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, तो मूर्तियां, घड़ियाल और जो बर्तन वगैरह होते हैं यहाँ पर सारे के सारे नक्काशी और अलंकरण से युक्त होते हैं। ठीक है, चीचली, चीचली का भी आपको पता होना चाहिए, चीचली कहाँ पर है, चीचली, चीचली है नरसिंहपुर में। अच्छा, ये ठीक है, तो उचेहरा, उचेहरा हो गया, यहाँ का बटलोही नामक स्थान बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। चीचली, चीचली कहाँ पर है आप लोगों को पता है, चीचली नरसिंहपुर में है, यहाँ का पीतल शिल्पकला उद्योग। ठीक है, यहाँ का पीतल शिल्प उद्योग बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ पर भी अनेक पीतल की खूबसूरत और अलंकृत मूर्तियां और जो रोजमर्रा के सामान है वे सारे सामान यहाँ पर मिल जाते हैं। कहाँ पर, पीतल, यहाँ पर चीचली में। ठीक है, पीतल उद्योग के लिए, पीतल शिल्पकला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नरसिंहपुर का चीचली। ठीक है, यहाँ पर पीतल शिल्प के अलावा तांबे तथा कांसे का भी शिल्प आपको उन्नत अवस्था का दिखाई देगा, तांबे तथा कांसे के भी यहाँ पर शिल्पकारी आपको दिखाई देगी, वो भी उन्नत लेवल की। ठीक है, तो प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, उचेहरा है, चीचली है, टीकमगढ़, टीकमगढ़ भी, टीकमगढ़ में भी पेज चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो टीकमगढ़ जो है यहां पर भी धातुशिल्प बहुत ही उन्नत अवस्था का है। ठीक है, तो कांसे के और पीतल के जो बर्तन हैं यहां पर किस आधार पर बनाए जाते हैं, ये टीकमगढ़ में मोम क्षय विधि द्वारा राधा कृष्ण की खूबसूरत मूर्तियां यानी कि धात्विक मूर्तियां होती हैं ये। ठीक है, ज्यादातर मूर्तियां पीतल की होती हैं, कुछ मूर्तियां कांसे की भी होती हैं। ठीक है, तो अलग अलग धातुओं की मूर्तियां बनाई जाती हैं टीकमगढ़ में। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध मूर्तियां कौन सी हैं यहाँ की, राधा कृष्ण जी की मूर्तियां हैं, जो भारत के साथ साथ
संपूर्ण विदेशों में भी जहां पर भारतीय रहते हैं, ठीक है, हिंदू संस्कृति को मानने वाले जो लोग रहते हैं वहां पर भी इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है, टीकमगढ़ की बनी हुई मूर्तियों की, राधा कृष्ण की मूर्तियों की। ठीक है, तो टीकमगढ़ में मूर्तियों के अलावा बर्तन बनाने का, ठीक है, और जो रोजमर्रा के सामान हैं, मूर्तियों के अलावा घड़ियाल है, जैसे कि बजाने वाले मंजीरे होते हैं, ठीक है, घंटियां होती हैं, ये सारी चीजों का बहुत ही खूबसूरत तरीके से अलंकृत वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, कहां पर, टीकमगढ़ में। ठीक है, अब देख लेते हैं बैतूल का। बैतूल का धातु शिल्प, ठीक है, तो बैतूल के धातु शिल्प में आप लोगों, पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं, एक तो भरेवा शिल्प है बैतूल का और एक है ढोकरा शिल्प। ठीक है, बैतूल का भरेवा तथा ढोकरा शिल्प दोनों ही प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो इनमें क्या किया जाता है भरेवा शिल्प में, भरेवा शिल्प का मतलब होता है मूर्तियों को जब ढाला जाता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, भरवा। ठीक है, तो भरेवा शिल्प भी यहां पर प्रसिद्ध है। घुंघरू, घड़ियाल तथा मूर्तियों का निर्माण किया जाता है भरेवा शिल्प द्वारा। ठीक है, और ढोकरा शिल्प में क्या होता है, इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा कर चुके थे। ढोकरा शिल्प में जो मिश्र धातु होती है, मिश्र धातु के द्वारा मोम क्षय विधि का उपयोग करते हुए सुंदर मूर्तियां बनाई जाती हैं। ठीक है, जिसमें आप लोगों को पता है तांबा, पीतल तथा टिन आदि धातुओं का उपयोग करके क्या किया जाता है, ढोकरा शिल्प में मिश्रण करके उनका, धातुओं का यानी मिश्र धातु के द्वारा खूबसूरत मूर्तियां बनाई जाती हैं। यहाँ की बनाई हुई मूर्तियां वर्ल्ड लेवल में फेमस हैं। ठीक है, ढोकरा शिल्प पूरे मध्य प्रदेश की एक पहचान है। ठीक है, ढोकरा शिल्प ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है, बैतूल का हो गया, अब मंडला का देख लेते हैं। तो मंडला का धातु शिल्प, मंडला में धातु शिल्प की क्या स्थिति है ये भी देख लेते हैं। ठीक है, मंडला धातु शिल्प, ठीक है, ये भी काफी उन्नत स्तर का है। यहां पर कांसे का उपयोग करकर विभिन्न पात्र, मूर्तियां कलश एवं डेकोरेशन की वस्तुएं बनाई जाती हैं। ठीक है, तो सजावटी सामान भी बनाया जाता है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए मध्य प्रदेश में धातु शिल्प की स्थिति क्या क्या है। और फिर भी अगर आपके पास समय बचता है तो आप यहां पर अगरिया लौह शिल्प कला भी दर्शा देंगे थोड़ा सा एक दो लाइन में, कि मध्य प्रदेश में रहने वाले जो अगरिया जनजाति है वो लोहे के बहुत ही ज्यादा कुशल कारीगर होते हैं, और लोहे के बहुत सारे खूबसूरत उपकरण, चाहे वो रोजमर्रा के हों, चाहे वो सजावटी वस्त्र हों, उन सजावटी उपकरण हों, उन सभी के लिए जो अगरिया जो लौह कारीगर होते हैं बहुत ही शानदार उपकरण बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि कुल्हाड़ी है, हंसिया है, ठीक है, बहुत सारी चीजें, हथौड़ा है, ये सारी चीज़ें बहुत ही शानदार टाइप का लोहा तैयार करते हैं ये लोग अगरिया वाले, और बहुत सारी शानदार शानदार और खूबसूरत लोहे की वस्तुओं का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो अगरिया लौह शिल्प कला का भी आप वर्णन कर सकते हैं, तो आपका 5 मार्कर तैयार हो जाएगा। आप बता देंगे एमपी में औचेहरा, चीचली, टीकमगढ़, बैतूल, मंडला और अगरिया शिल्प कला। ठीक है, तो आप फिर भी, आपको लग रहा है आपके पास स्कोप है, आपके पास जगह है, तो आप एक एमपी का नक्शा बना देना बढ़िया सा। ठीक है, उसमें आप प्रदर्शित कर देंगे कहां पर सतना है, कहां पर चीचली है। ठीक है, ये सारी उचेहरा, चीचली, मंडला सारी चीजें आप दिखा देंगे। ठीक है, इसको आप प्रदर्शित कर देंगे कहां कहां पर क्या क्या है। ठीक है, अगला 5 मार्कर देख लेते हैं। अगला 5 मार्कर है मध्य प्रदेश की सिरौंज छीट कला पर प्रकाश डालें। ठीक है,
मध्य प्रदेश की सिरोंज छीट कला क्या थी? ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आ जाते हैं अक्सर, ऐसे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से तैयार कर लिया करें। ठीक है, मध्य प्रदेश की सिरोंज छीट कला क्या थी? समय शुरू होता है अब, लिखें। सिरोंज छीट कला लिख लें जल्दी से। हो गया प्रश्न, मध्य प्रदेश में सिरोज छीट कला। ठीक है, छीट कला मध्य प्रदेश की बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध थी मध्य काल में। सबसे पहले अगर आपको प्रकाश डालना है, टिप्पणी लिखना है, सबसे पहले आप लिख देंगे एमपी की सिरोज छीट कला। ठीक है, उसके बाद अपना लिखना प्रारंभ कर देंगे। ठीक है, आप लिख देंगे इसमें सबसे पहले इसकी प्रसिद्धि बता देंगे कि प्रदेश में, आप ये बता देंगे स्थल कहां पर है, ये मध्य प्रदेश का विदिशा स्थित। ठीक है, विदिशा स्थित सिरोज नगर क्या था? मध्य काल में अत्यधिक प्रसिद्ध था। किस लिए प्रसिद्ध था? छींट के लिए। ठीक है, किस लिए प्रसिद्ध है? पहली लाइन में आप एक पॉइंट में बता देंगे किस लिए प्रसिद्ध है, छींट हेतु। ठीक है, छींट वस्त्र हेतु, छींट वस्त्रों हेतु। ठीक है, पहला हो गया पॉइंट। ठीक है, अगले पॉइंट में आप क्या बताएंगे, छींट वस्त्र क्या होता है इसके बारे में बता देंगे, आप बता देंगे ये बहुत ही
महीन धागों से निर्मित। वस्त्र होते थे, ठीक है, जिन पर रंगीन छपाई की जाती थी। ठीक है, क्या की जाती थी? रंगीन कलर की छपाई, यानी विभिन्न विभिन्न रंगों की छपाई की जाती थी। ठीक है, ये बता देंगे। ठीक है, चूंकि आप लोगों को पता है बंगाल का मलमल बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था, बंगाल के मलमल के बाद एकमात्र ऐसा वस्त्र था जो मध्यकाल में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध था, वो था मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र का छीट। ठीक है, ये बहुत ही महीन वस्त्र होते थे और रंगीन छपाई से युक्त होते थे और बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते थे, और इनको इस प्रकार से बनाया जाता था कि इनका रंग बाद में धुलने के बाद और ज्यादा निखरता जाता था। ठीक है, तो इसमें अगला पॉइंट लिख देंगे। ठीक है, यहां तक हो गया, इसके बाद अगला पॉइंट लिख देंगे। चूंकि ये क्या था? अत्यधिक गुणवत्तापूर्ण था, शाही तथा उच्च घराने जो थे अत्यधिक मांग थी। ठीक है, गर्मी के मौसम में जो महिलाएं होती थी वो छीट की साड़ियां एवं वस्त्र धारण करती थी। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि जो विदिशा क्षेत्र का जो गवर्नर होता था मुगल काल में, वो गर्मी आने से पहले यहां से विशिष्ट प्रकार के छींट के वस्त्र जो होते थे सिरोंज तहसील के, यानी सिरोंज नगर के, उस समय सिरोंज क्या था? एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल था, क्योंकि ये मुगल काल में मुगल साम्राज्य के जो व्यापारिक स्थल थे उनके मध्य में पड़ता था। ठीक है, तो यहाँ का जो गवर्नर था वो क्या करता था? यहां से बहुत सारे अच्छे अच्छे वस्त्रों को इकट्ठा करके जो मुगल राज दरबार होता था वहां के जो मंत्री और शासक वर्ग होते थे वहां पर गिफ्ट पहुंचाते थे। ठीक है, और बहुत ही ज्यादा डिमांड की जाती थी वहां पर इन वस्त्रों की। तो जो ट्रेवर्नियर यात्री था, फ्रांसीसी यात्री ट्रेवर्नियर जो आया था भारत में 15वीं 16वीं सदी में, ठीक है, तो वो क्या कहता है कि मध्य प्रदेश में मालवा क्षेत्र में एक ऐसे वस्त्र को मैंने देखा जिसे सामान्यतः छींट कहा जाता है, और वो बहुत ही खूबसूरत वस्त्र है, उसको पहने जो धारण किए हुए है उस वस्त्र को, उसे देखकर ऐसा लगता ही नहीं है कि उस व्यक्ति ने किसी वस्त्र को भी धारण किया हुआ है, यानी इतने ज्यादा महीन और खूबसूरत वस्त्र हैं। ठीक है, तो इसमें आप क्या करेंगे? ट्रेवनियर का यहां पर कोटेशन डाल देंगे। ठीक है, ट्रेवनियर का कोटेशन डाल देंगे। ट्रेवनियर ने क्या कहा था इसके बारे में? ठीक है, ट्रेवनियर ने सिरोंज के छींट वस्त्र की प्रशंसा अपने यात्रा वृत्तांत में की है। अगर आपके पास स्कोप है, अगर आपको लग रहा है, तो आप लिख भी सकते हैं कि कहा क्या है। ठीक है, तो उसने कहा क्या था? कहा यह था कि जो सिरोंज में बना या मालवा क्षेत्र में निर्मित जो छींट वस्त्र हैं वे बहुत ही महीन और खूबसूरत होते हैं, इनको पहनने वाला जो व्यक्ति होता है उसे देखकर ऐसा लगता है कि इसने कोई वस्त्र शरीर पर धारण किया ही नहीं है। ठीक है, तो ये कौन कह रहा है? ट्रेवनियर कह रहा है। ठीक है, और जो आईने अकबरी के रचयिता अबुल फजल, वो भी छींट वस्त्र की बहुत प्रशंसा करते हैं। ठीक है, अबुल फजल आईने अकबरी में अबुल फजल क्या करते हैं? मालवा के छींट वस्त्र की, यानी कि सिरोंज वाले छींट वस्त्र की प्रशंसा भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। ठीक है, वो कहते हैं बहुत ही शानदार टाइप का वस्त्र है और बहुत सारी बातें लिखते हैं इस वस्त्र के बारे में। ठीक है,
चूंकि मध्य प्रदेश की प्रसिद्धि थी इस वस्त्र की वजह से, जो छींट वस्त्र था इसकी वजह से मध्य प्रदेश की प्रसिद्धि थी। ऐसा माना जाता है कि मध्यकाल में विदिशा में जो बाजार था वो मध्यकाल का सबसे बेहतरीन बाजार था, और दो मंजिला बाजार था। वहां पर नीचे भी वस्त्र मिलते थे मलमल के और छींट के, और जो ऊपर जो दूसरी मंजिल थी वहां पर भी छींट और मलमल के वस्त्र मिलते थे। तो नीचे जो लोग, जो रायसी लोग होते थे, जो ऊंट से और हाथियों से सवारी करते थे, जब वो लोग बाजार से निकलते थे तो आराम से जो ऊपरी मंजिल वाली है वहां से सौदा खरीद सकते थे, छींट के वस्त्र और मलमल के वस्त्र खरीद सकते थे। ठीक है, तो इस समय जो विदिशा क्षेत्र था बहुत ज्यादा ही विकसित था वस्त्र के मामले में। ठीक है, ध्यान रखना है हमें। ठीक है, इसकी विशेषता लिख देंगे अगले पॉइंट में हम लोग, छींट वस्त्र की विशेषता अवश्य लिख देना आप लोग। विशेषता क्या है? विशेषता ये थी कि जैसे जैसे इसको धोया जाता था, ठीक है, वस्त्र को धोने के साथ साथ, यानी जितनी बार आप धोते थे उतना ही ज्यादा इसमें, इस वस्त्र में निखार आता जाता था। तो सिरोंज में ऐसा माना, और एक इस वस्त्र की एक विशेषता और ये थी, ऐसा माना जाता था कि अगर इस वस्त्र को वर्षा ऋतु में बनाया जाएगा तो ये वस्त्र बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और टिकाऊ बनेगा। ठीक है, दूसरा ऐसा भी माना जाता था जो सिरोंज नगर के पास से जो नदी बहती है वहां पर जब इसको डाई करने के बाद, यानी जब इस पर रंग करने के बाद उस नदी में धोया जाता था तो इसकी सुदृढ़ता और खूबसूरती ज्यादा निखर जाती थी। ठीक है, ऐसा मानते थे। ठीक है, अभी तो हमें पता है कौन सी नदी बहती है सिरोंज के पास से, सिंध नदी बहती है। ठीक है, और भी एक दो नदियां और भी थी, अब ये नहीं पता कि किस नदी के बारे में वहां पर बताया था। ठीक है, सिंध नदी को मान सकते हैं ना, तो उसके पानी में इसका सारे क्रियाकलाप किए जाते थे। ठीक है, सिरोंज में जो छींट वस्त्र बनाए जाते थे। ठीक धोने के साथ साथ इसका वस्त्र निखरता जाता था, और इस वजह से ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थी ईरान, तुर्की और यूरोप में। प्रसिद्धि भी लिख देंगे एक पॉइंट में आप लोग, ईरान, तुर्की तथा यूरोप। आदि क्षेत्रों में इसकी अत्यधिक मांग थी। ठीक है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी मध्य प्रदेश की जो छींट वस्त्र था, मध्य प्रदेश का जो छींट वस्त्र था वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी उसने अपनी अलग पहचान बना रखी थी। ईरान के जो व्यक्ति थे, महिलाएं थी, बहुत ज्यादा पसंद करती थी। ठीक है, फारस के व्यापारी यहाँ से ले जाते थे, तुर्की के अर्मेनियाई व्यापारी भी ले जाते थे, तुर्की में बेचते थे तथा यूरोप में बेचते थे ये अर्मेनियाई व्यापारी। ठीक है, यहाँ पर भी ये बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता था छींट वस्त्र। ठीक है, कपड़े बनाने के लिए उपयोग किया जाता था, पर्दे बनाने के लिए उपयोग किया जाता था। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें इसके बारे में लिख देनी है। ठीक है, तो ट्रेवनियर जो है बहुत तारीफ करता है इस वस्त्र की, कहता है कि ढाका के मलमल के जैसा ही ये वस्त्र है। ठीक है, यानी कि ढाका के मलमल से कहीं पर भी कमतर नहीं है सिरोंज का जो छींट है, छींट वस्त्र जो है। हम लोग देखेंगे बाद में छींट वस्त्र ने इतनी ज्यादा तरक्की कर ली थी कि यूरोप में इन पर प्रतिबंध भी लगा दिए गए थे। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का प्रश्न, मध्य प्रदेश की सिरोंज छींट कला आप बता देंगे। विदिशा स्थित सिरोंज नगर प्रसिद्ध है छींट वस्त्रों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। ये मध्यकाल में बहुत ज्यादा उन्नत उद्योग था मध्य प्रदेश का, सिरोंज छींट उद्योग। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह प्रसिद्ध था। यहाँ का वस्त्र बहुत ही महीन धागों से निर्मित वस्त्र होते थे जिन पर रंगीन छपाई की जाती थी, जिन्हें छींट वस्त्र बोलते थे। अत्यधिक गुणवत्तापूर्ण होने की वजह से शाही तथा उच्च घराने के जो व्यक्ति होते थे वही इसे धारण करते थे। ठीक है, ज़्यादातर लोग, ट्रेवनियर ने इसकी तारीफ की है, आयने अकबरी ने भी, अबुल फजल ने भी आयने अकबरी में इसकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा की है। ट्रेवनियर ने तो ये कहा है कि जो भी वस्त्र इसे धारण किए होता था सिरोंज की छींट वस्त्र को, तो ऐसा प्रतीत होता था कि वो कोई वस्त्र ही धारण नहीं किया हुआ, इतना हल्का, इतना खूबसूरत और इतना महीन वस्त्र है ये। ठीक है, बहुत ज़्यादा तारीफ की थी ट्रेवनियर ने इसकी। विशेषता क्या थी? जैसे जैसे इस वस्त्र को धोया जाता था, हमने देखा है आजकल हम जो वस्त्रों को धोते हैं तो वो कैसे होते जाते हैं, उनका रंग धुंधला पड़ता जाता है, लेकिन इसमें ऐसी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता था रंगों को बांधने के लिए
कि धोने के साथ साथ पानी के साथ साथ रंग और ज्यादा निखरता जाता था, पक्का होता जाता था। ईरान, तुर्की तथा यूरोप आदि क्षेत्रों में भी इसकी अत्यधिक मांग थी। औरंगजेब के समय इसका इस उद्योग का पतन होना प्रारंभ हो गया था और मराठों के समय स्थिति में और गिरावट आती चली गई थी मध्य प्रदेश के छींट उद्योग में। और वर्तमान की भी अगर आपके पास अगर स्कोप हो तो वर्तमान में क्या स्थिति है मध्य प्रदेश में छींट उद्योग की, वो भी आप डाल सकते हैं इसमें। ठीक है, तो हम आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। जब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद। और कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रश्न हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं और हम लोग मिलते रहेंगे यूट्यूब पर अक्सर। अगर कभी ना मिलें तो यूट्यूब पर सर्च कर लेना मेरे नाम से। चलो, तो क्लास हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं, जब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद।